सकता है, लेकिन उसको लो प्रोफाइल किया जाए। जो इसको जंग लोगों ने इस आंदोलन को स्थगित किया है, मतलब कि हमारा आंदोलन कोई समाप्त नहीं हो गया है, हम जब चाहे तब इस आंदोलन को वहीं से उठा सकते हैं, लोगों की राय बनेगी फिर यह आंदोलन उठ जाएगा। अब सरकार के चरित्र को तो आप देख ही रहे, वो तो बात भी नहीं करना चाहती है। 23 अगस्त को आप लोगों ने देखा, राज्य स्वास्थ्य समिति पर कर्मचारी गए हुए थे वहां प्रदर्शन करने के लिए, हालांकि वो हमारा कॉल नहीं था, लेकिन आपको भी मालूम होगा बाजाब्ता उसका प्रेस रिलीज जारी किया था कि ईडी ने किस तरह से बिहेव किया। किस तरह से बिहेव किया बाजाब्ता, इसके प्रेस रिलीज जारी है, मेरे पास है वो, उसमें लिखा गया है कि हमारे नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करके, महिला नेत्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ईडी के साथ हम लोगों ने वार्ता का बहिष्कार कर दिया है। तो बाजाब्ता उसका प्रेस रिलीज जारी हुआ, ये कोई छुपी छुपाए बात नहीं है। इसलिए जो अब यदि सरकार के स्तर से हमको मैसेज आया कि आप 8:45 में आए हमसे वार्ता करें, तो हम क्यों ना जाएं। और वार्ता हमारी सकारात्मक हुई, जो हमारा ड्राफ्ट था उसमें मेन मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि एफआरएस था। एफआरएस के पीछे हमारा ये तर्क है शुरू से ही, हमारा संगठन भी कहता है कि हम सर्विस डिलीवर डिपार्टमेंट है, हम काम करते हैं, और हम लोगों ने ही काम करके बिहार को जो है अर्ज फर्श से लेकर के अर्ज तक उठाया है। आज जो देश के 4 अग्रणी राज्यों में बिहार खड़ा है, इसमें हमारा कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम जब काम करते हैं तो इसका मतलब कि हम प्रतिदिन हम अपने कार्यालय जाते हैं, तो और हम कार्यालय जाते हैं तो हम अटेंडेंस या तो रजिस्टर पर बनावे या फिर एफआरएस पर बनावे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको लो प्रोफाइल किया जाए। जो इसको जंजीरों में बांधने की बात सरकार कर रही है, उसको हमने ड्राफ्ट दिया था कि उसको एक बार किया जाए, 3 बार की बजाय उसको एक बार किया जाए, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी और सरकार की तरफ से कहा गया 2 बार। अब रही बात कार्य अवधि, तो हम लोगों ने इसके पीछे ये तर्क दिया कि शहरी कार्यालयों में काम करने वाले बाबू, जहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, एसी है, वो 10 से 5 काम करते हैं, और रिमोट एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां 3-3 किलोमीटर पैदल जाकर के काम करना पड़ता है, वहां महिलाएं 9 से 5 काम करेंगी, तो ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है जी। ये जस्टिफाइड नहीं है। तो आप इसको जो है पहले तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर कंपेयर किया जाए कार्यालयों से, तो उसका 9 से 4 होता है, लेकिन चूंकि महिला कर्मचारी काम करते हैं और उनको जाना पड़ता है, उनको 2-3 किलोमीटर फिर वापस आना पड़ता है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, इसलिए इनको और घटा करके 9 से 2 किया जाए जी। 9 से 2 किया जाए हमारा प्रपोजल था, लेकिन इस पर भी पूर्ण रूप से सहमति नहीं बनी और इसको जो है सरकार की तरफ से कहा गया कि इसको 9 से 3 किया जा सकता है जी। 9 से 3 किया जा सकता है, ये हमारा हुआ। दूसरा ये काम का हो गया। तीसरा चीज हुआ कि हमने इसमें मुख्य रूप से एक डिमांड आपको उठाया था कि सैलरी का इंक्रीमेंट, जो एचआर पॉलिसी बनी थी, अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसको नोट करिएगा, जो एचआर पॉलिसी बनी थी एनएचएम कर्मचारियों की, उसमें यह तय किया गया था कि जिसका न्यूनतम वेतन है उसके सैलरी को ज्यादा हाइक किया जाएगा, और जिसका मैक्सिमम सैलरी है, जिसका ज्यादा सैलरी है, जैसे कि डीपीएम हो गया, डैम हो गया, या फिर ब्लॉक हेल्थ मैनेजर हो गए, या फिर हॉस्पिटल मैनेजर हो गए, उनकी सैलरी ज्यादा थी तो उनके सैलरी में कम बढ़ोतरी की जाएगी, ये उसका अनुशंसा था। लेकिन यहाँ हो गया उल्टा, मतलब कि जिनकी ज्यादा सैलरी थी उनके सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी की गई, और जिनका कम सैलरी था, डाटा ऑपरेटर, ANM, जो लोग जिनका सैलरी था 11,500-12,000, इनके सैलरी में 20 से 24% ही जो है बढ़ोतरी हुई। तो इसके लिए हमारा इस पर बहुत बड़ा आपत्ति था, बहुत गहरा आपत्ति था, जो एफआरएस से भी बड़ा था, एफआरएस से बड़ा था। इसको सिर्फ एक पॉइंट को लेकर के हम एफआरएस नहीं बनाएंगे, जब तक एफआरएस नहीं होगा, जब तक समान काम का बदले समान वेतन नहीं होगा, तब तक नहीं करेंगे, उससे बड़ा सवाल था वेतन का सवाल जी जी। तो इसको हम लोगों ने पॉइंट आउट किया, इसको उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर विषय वस्तु है, इस पर हम एक कमिटी बनाएंगे, इसको देखेंगे कि कहां पर लैचिंग हुआ। तीसरा ये समान काम का समान वेतन, तो मैंने कहा है कि इसकी लड़ाई तो हम बिहार में 18 वर्षों से लड़ रहे हैं, ठीक, और आगे भी लड़ेंगे। और सर रहा ट्रांसफर का,
कि 11,000 वेतन, कैमूर घर है और बेतिया में पोस्टिंग है, तो हम लोगों ने इस पर कहा भाई कि ये सही नहीं है, कम वेतन, उनको आने जाने में ही आधा वेतन खर्च हो जाएगा दो बार अगर महीने में अगर आ जाएंगे तो। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी इसकी बनेगी, इसकी कमिटी बनेगी, इसकी स्थानांतरण नीति इसकी बना दी जाएगी, जो पहले से नीति है उसमें ये तय नहीं था, इसमें कुछ समय लग सकता है, 6 महीना भी समय लग सकता है इसमें। ये सवाल था। और बाकी जो सवाल था इसमें उनके तरफ से कहा गया कि इसके स्तर विभागीय स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन तमाम सवालों को देखेगी आपको क्या देने लायक है, लेकिन जो मूल सवाल था हम लोगों ने वहां उसको डिस्कस किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, और आपने काफी समय दिया है इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बातों को जो है कि बारीकी से